जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी जिसका नाम है इडन। ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक कार की डिक्की में जे नाम की एक लड़की बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर और मुंह सब बंधा हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो किडनैप करने वाला आदमी बस सिगरेट पी रहा था और वो फिर उस डिक्की को वापस बंद कर देता है। अब मूवी इस इंसिडेंट के एक दिन पहले आती है। ये बात 1994 की है जहाँ पर जे नाम की एक टीनेज लड़की थी जो अपने फैमिली के रेस्टोरेंट पर काम करती थी और वो चोरी छुपे अपने फ्रेंड एबी के साथ में सिगरेट पिया करती थी। यह एबी उसे शाम को अब बार में चलने को कहती है और उसके पास बार में जाने के लिए एक फेक आईडी कार्ड भी था क्योंकि जे अभी भी 18 साल की नहीं हुई थी। जे के पिता को पता था कि वो सिगरेट पीती है लेकिन वो उसकी मॉम को नहीं बताते और ये उन दोनों के बीच एक स्वीट सा रिलेशन शो करता है। फिर उसके पिताजी उसे एक रिंग देते हैं जो कि उनकी पुरखों की निशानी थी। अब रात को एबी और जे अपने फेक आईडी से बार में जाते हैं क्योंकि जे 18 साल की नहीं हुई थी और ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ पर दोनों शॉट्स लेते हैं एंड देन एबी की नज़र एक चार्मिंग लड़के पर पड़ती है जो कि फायर फाइटर की ड्रेस पहने हुए था और वो उसके लिए ड्रिंक ऑफर करता है जिसके बाद दोनों में बातचीत होती है और एबी दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती है। फिर अब ये लड़का जे को घर तक छोड़ने के लिए राइड ऑफर कर रहा था। दोनों कार से जे के घर की ओर जाते हैं लेकिन जे के घर पहुंचने से पहले ही ये लड़का गाड़ी को बीच में रोक देता है और वो जे को किस करने लगता है। जे को ये पसंद नहीं आता और ये फायर फाइटर उस कार से उतरकर पीछे वाली कार में बैठे किसी आदमी से बात करने के लिए जाता है जो कि जे को बड़ा अजीब लगता है और वो देखती है कि जिस कार में वो बैठी है उसमें उस लड़के की बहुत सारी यूनिफॉर्म है जो कि नकली है और वो भागने की कोशिश करती है एंड देन जल्दी ही वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक सब ब्लैंक हो जाता है। सीन कट होके एक पुलिस ऑफिसर बॉब पर आता है जो कि किसी फार्म में जा रहा था। वहाँ पर दो ऑफिसर पहले ही थे और उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। उस लड़की के पैर में एक ट्रैकर भी था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए बॉब वहाँ मौजूद दोनों को मार डालता है। सीन फिर से जे पर आता है जो कि अब एक ट्रक में बैठी हुई थी और वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियाँ थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रक एक जगह आकर रुकता है जहाँ एक आदमी उसे खींच कर बाहर निकलता है। वो अब एक ऑपरेशन थिएटर में थी जहाँ पर एक बूढ़ी नर्स आती है जो कि जे को एक इंजेक्शन लगाती है और जे बस डर के मारे चिल्ला रही थी। जे की जब नींद खुलती है तो वो एक छोटे से रूम में थी जहाँ पर और भी कई लड़कियाँ बंक बेड पर थी। फिर वहाँ कुछ अनाउंसमेंट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारी लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र छोटी से लेकर बड़ी तक है और उन्हें भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। उन्होंने बस नाम के कपड़े पहने थे और यहाँ पर बॉब आता है जो कि सभी को कुछ गिफ्ट देता है। जे अभी भी अंदर थी, वो बाहर नहीं आती और देखती है कि क्या चल रहा है। बॉब सभी को एक बिल्ली का बच्चा देता है। जे अभी भी बाहर नहीं आती और बॉब उसे कुछ दिन देता है इस माहौल में डालने के लिए। अब अगले दिन जे बाकी लड़कियों के साथ बाथरूम में थी, वो नहाने जाती है जिसके बाद एक नर्स सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और फिर उन्हें कुछ ड्रग दिया जाता है। सभी अपना लंच करती है और सभी लड़कियाँ अपनी अपनी केट से खेल रही थी क्योंकि उनके लाइफ में बस अब एक यही खुशी थी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वोग नाम का आदमी कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके कहीं ले जाता है और उनमें जे को भी सिलेक्ट किया जाता है। उसे एक वैन में डाल के एक अननोन प्लेस पर ले जाया जा रहा था। उसे लेदर की ड्रेस पहनाकर उसे फिर एक प्लेस पर लाया गया था और कैमरा के सामने बांध देते हैं। जे के साथ जो भी हो रहा था वो उसके लिए बहुत घिनौना था और उसे जबरदस्ती ये करना पड़ रहा था। उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था और तो और उसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस भी देना थी जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी रात को जय अपनी रूममेट प्रिंसिला के सामने फुट फुट कर रोने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद वाग उसे अकेले ही अपनी जॉब के लिए ले जा रहा था और उसके क्लाइंट ने जे को स्कूल गर्ल के कपड़ों में बुलाया था। उसके क्लाइंट का नाम जॉन था, वो शादीशुदा था और उसकी बच्ची भी जे की उम्र की ही थी। जे को जॉन के पास अकेला छोड़ के वाग बाथरूम में जाकर ड्रग्स ले रहा था। तभी उसे वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि जॉन जमीन पर पड़ा है और जे उसे चोट पहुंचाकर भाग गई थी। जय ने जॉन के प्राइवेट पार्ट को काट लिया था और उसका मुंह पूरा खून से लाल हो रहा था। उसके कपड़े पूरे खुले हुए थे और वो भाग रही थी लेकिन वॉक उसे पकड़ लेता है।
वो एक घर में घुस गई थी जहाँ पर दो लेडी कॉफी इंजॉय कर रही थी और वॉक कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ड्रग एडिक्ट जे को पकड़ने के लिए आया है। वो उसे वापस लाकर जे को पनिशमेंट दी जाती है जिसमें उसे बांधकर एक बर्फ से भरे हुए टब में डाल देते हैं और पूरी रात के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बॉब वॉन को उसकी इस हरकत के लिए इंसल्ट करता है और एक थप्पड़ मार देता है। अब हम देखते हैं कि एक साल बीतता जाता है। जे भी अपने परिवार को भूलकर अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जे से इडन हो गया था। उसे लगातार इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वहां पर उसकी प्रिंसिला बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर लाना नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके हाथ में जे की रिंग थी जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। जे प्रिंसिला को बताती है कि वो अभी 19 साल की है और प्रिंसिला का कहना था कि वो कैसे यहाँ पर बच गई है क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से गायब कर दिया जाता है। फिर तभी वहाँ से एक आदमी आता है और प्रिंसिला को घसीट कर ले जाता है। शाम के समय देखते हैं कि जे यानी कि एडन को फिर से अपने क्लाइंट्स को फिर से सेटिस्फाई करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ये पार्टी बहुत बड़ी थी। जे की ड्रेस भी अलग थी और वो एक चाइनीज लड़की बनकर गई हुई थी। और हम देखते हैं कि जे अब एक साल में इस काम को करने में परफेक्ट हो गई थी। अब वापस लौटते समय एडन वैन में अपने हील्स को तोड़ के छुपा लेती है। एडन जब रूम में आती है तो वो देखती है कि प्रिंसिला कहीं नहीं दिख रही थी, शायद उसे भी मारकर फेंक दिया गया होगा। एडन रात को अपनी छुपाई हुई सैंडल निकालकर लाना पर अटैक कर देती है और उससे अपने डेड की दी हुई रिंग वापस ले लेती है। वहां पर गार्ड्स आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। फिर वॉन एडन को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है और वो एडन से इम्प्रेस हो गया था। वो उसे पनिशमेंट के रूप में एडन को अपनी रिंग निकलने के लिए बोलता है और ठीक एडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वॉक को लग रहा था कि एडन अपनी एज से ज्यादा स्ट्रांग है और एडन उसकी सिंपत्ति के लिए रोने लगती है और कहती है कि बाकी की लड़कियां वॉक के पीठ पीछे उसे कुछ भी बोलती है कि वो बस यहाँ का एक नौकर है। एडन उसे फंसाना चाह रही थी लेकिन वो नहीं फंसता। अब कुछ दिनों के बाद एडन को बाकी लड़कियों के साथ एक पार्टी में ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें सर्विस देना थी। पार्टी खत्म होने के बाद वॉन होस्ट से पेमेंट मांगता है और वो होस्ट उसे कुछ पैसे काटने को कहता है। दोनों में कहासुनी होती है और वॉग अपनी गन से उसे डराकर बाकी का पेमेंट ले लेता है। रात के समय एडन टॉयलेट जाती है जहाँ से वो अपनी रिंग को निकालती है जो कि वॉग के कहने पर उसने निकल ली थी, जिसे धोकर वो वापस पहन लेती है क्योंकि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट के बारे में पता था। धीरे धीरे एडन के लिए सब कुछ बदल रहा था। वॉग उसे क्लाइंट के पास न भेजकर खुद अपने घर ले जाता था जहाँ पर वो उससे सफाई करवाता है। उसे वॉन के बचपन की फोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने एडन यानी कि जे को फंसाया था। जहाँ पर सभी गर्ल्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा वेयर हाउस था और वहाँ पर उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता था। लाना को कस्टमर के कॉल्स अटेंड करने की जॉब मिली थी लेकिन वॉग अब एडन को वो काम दे देता है जिससे कि लाना गुस्सा होती है और सब समझ रहे थे कि वॉग एडन के करीब आ रहा है। एडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। और इधर हम देखते हैं कि बॉब एक सेमिनार में है और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग के ऊपर स्पीच दे रहा है, जिसके बाद में एक ऑफिसर उसे मिलता है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही काम कर रहा था। वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जब दो पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था जो कि असल में बॉब ने ही किया था और वहां पर मिली उस लड़के के पैर में ट्रैकर था जिससे कि असली गुनाहगार तक पहुंचा जा सकता था। और ये सब सुनने के बाद में बॉब को समझ आ गया था कि अब उसके लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है। यहाँ पर वॉग एडन को अपने साथ कहीं ले जाता है जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था। वॉग की वैन में से दो लाशें भी थी जिन्हें वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था और इनमें से एक लाने की लाश थी। वो उसे बीच लेक में लाकर पानी में डाल देते हैं और एक बार फिर बॉब वॉग की इंसल्ट करता है जिससे गुस्से में आकर वॉग बॉब को पीछे से अटैक करता है और मार डालता है और बॉब की भी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। अब कुछ दिन के बाद वॉग एडन को एक अनजाने घर ले जाता है जहाँ के लोगों को पता था कि उन्होंने बॉब के साथ क्या किया है। एडन को अब वॉशरूम जाना था और वो अंदर जाकर देखती है कि उस घर में एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था। एडन को वहाँ पर एक रूम का दरवाजा भी खुला हुआ दिखता है जिसके अंदर प्रिंसिला थी और वो प्रेग्नेंट थी। प्रिंसिला को वहाँ पर कुछ महीनों पहले लाया गया था लेकिन एडन को नहीं पता चल रहा था कि प्रिंसिला को ऐसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। जब प्रिंसिला चिल्लाने की कोशिश करती है तो एडन उसे चुप रहने का कहकर बाहर चली जाती है जहाँ पर सभी न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बॉब के मरने की खबर थी। लौटते समय एडन ड्राइव कर रही थी और वॉग उससे पूछता है कि क्या उसने घर में कुछ देखा और वो उसे बस उस ऑपरेशन थिएटर के बारे में ही बताती है। वॉग को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। वो उसे कार रोकने को कहता है
वो फिर वैन से एक लड़की को निकाल कर ईडन को उसे मारने को कहता है और ऐसा नहीं करने पर उसे खुद को मारना होगा। ईडन के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसीलिए वो ट्रिगर दबा देती है, लेकिन असल में उस गन में बुलेट सी नहीं थी। वॉक बस ईडन के भरोसे की जांच कर रहा था। बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था। उस वेयरहाउस का ध्यान अब वॉक रखता था और वो अपने गार्ड्स को पनिशमेंट दे देता था। वॉक उस वेयरहाउस को कहीं और शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस अब उन तक पहुंच सकती थी। इधर ईडन नर्स के पास जाती है जो कि उसे एक स्टोरेज हाउस पर ले जाती है जहाँ पर लड़कियों के पुराने सामान थे। फिर सभी गर्ल्स को ट्रक में भर के कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन इस ट्रक में ईडन नहीं थी। वो कहता है कि ईडन बहुत लकी है क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ नहीं जा रही है बल्कि वो वॉक के साथ है। वॉक ट्रक से ये सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन पहले वो बाथरूम जाता है और यही मौका था ईडन का कुछ कर देने का। वॉक जब बाथरूम में था तो ईडन किचन से कीड़े मारने का स्प्रे लाकर उसे वॉक के ड्रग वाले पाइप में स्प्रे कर देती है और उसे पीने के बाद में वॉक बेहोश हो गया था। फिर ईडन अपने पैर का ट्रैकर काटती है और वॉक का केस लेकर वहाँ से कुछ इंजेक्शन को ले लेती है और वॉक की गाड़ी लेकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो अपने घर नहीं जाती, वो पहले उस घर जाती है जहाँ पर प्रेग्नेंट प्रिंसिला को कैद किया हुआ था और जिस आदमी ने प्रिंसिला को कैद किया था वो उस आदमी को पैसे के बदले उसे छोड़ देने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और इसीलिए ईडन उसे वो इंजेक्शन देकर मार डालती है। अब ईडन प्रिंसिला को उस कैद से आज़ाद कराती है और दोनों कार से जा रहे थे। फिर ईडन रास्ते में कार को रोकती है और पब्लिक फोन से अपने घर पर कॉल करती है। ईडन के पेरेंट्स उसकी आवाज़ सुन के उसे पहचान जाते हैं जो कि उसका न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। फिर वो उसके असली नाम जेसो से पुकारते हैं और ईडन बस रोए जा रही थी क्योंकि उसे किसी के मुँह से अपना असली नाम सुने बहुत टाइम हो गया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों असल में ये मूवी जोंग किम की लाइफ पर बेस्ड है जो कि असली जे है। किम साउथ कोरिया में पैदा हुई थी और उसे यूएसए से किडनैप कर लिया गया था। जोंग किम आज एक एक्टिविस्ट है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करती है। दोस्तों किम तो बच गई थी, लेकिन बाकी लड़कियों के साथ में क्या हुआ होगा सोचने वाली बात है और ये इंडिया और बाकी देशों में भी रोज होता है। दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं फिर आऊँगा एक और वीडियो को लेकर।